press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक्सरसाइज 9.1 से पहले एग्जांपल नंबर 4 है और एक मिसलेनियस विविध प्रश्नावली का जो 9 नंबर क्वेश्चन है, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है। इन दोनों में ही आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो दे रखी है और जो दो बिंदु या दो पॉइंट जो दे रखे हैं उनमें से एक का जो कोऑर्डिनेट है वो अननोन है, तो उसमें आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये आपको गिवन नहीं है, तो इस एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और इस 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो यहाँ इसको वाई कोऑर्डिनेट को ए से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों का पैटर्न सेम होगा, दोनों अच्छे क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ये तो पूछा हुआ है सप्लीमेंट्री 2018 के अंदर, तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे इसने कहा था डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x3 और एंड 5.7 इज 5, x, 3 और 5.7 के जो बीच की दूरी है वो 5 है, तो आप x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें डायग्राम कैसे बनाएंगे कि इन दोनों बिंदुओं को आप जैसे ए और बी नाम दे दीजिए, ये तो x, 3 हो गया और ये हो गया 5.7 हो गया, तो ये ए और बी के निर्देशांक हो गए और इनके बीच की दूरी है कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो आपको इस एक्स का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, दूरी सूत्र लगाओगे, तो इन दो बिंदुओं के निर्देशांक पहले लिख दोगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ए x3 एंड बी 5.7, ए व बी बिंदुओं के निर्देशांक, एंड ए बी है वो कितना है, 5 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र, तो डिस्टेंस फॉर्मूला है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x1 की जगह x है, y1 की जगह 3 है, x2 की जगह 5 है, y2 की जगह 7 है। तो कई तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं कि साइड के अंदर कौन x1 है, कौन y1 है, कौन x2 है, कौन y2 है। अदरवाइज आप उस ट्रिक से याद रखीजिए भी पहले में से पहला सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरे में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करना है और उनका स्क्वायर करना है। तो डिस्टेंस आपको जो AB है उसकी वैल्यू 5 दे रखी है, तो ये जो डिस्टेंस AB का फॉर्मूला हो गया है, तो इसके इक्वल कितना है, 5 है। तो x1 की वैल्यू, x1 की जगह कितना है x माइनस, x2 की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 7 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कितना वैल्यू दे रखा है आपको, 5 दे रखा है। ये तो दूरी सूत्र हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया है, और इसके इक्वल इसका मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब आपको ये वर्गमूल, ये स्क्वायर रूट का साइन आपको यहाँ से रिमूव करना है, तो बोथ साइड आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइड वर्ग लेना पड़ेगा, तब ये रूट हटेगा। तो टेक स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड वर्ग करने पे, तो यहाँ तो ये बच जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये माइनस कितना बच गया 4 और इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। माइनस 2ab करोगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10x प्लस माइनस 4 का स्क्वायर है, से 4 का स्क्वायर है, पावर जब इवन नंबर सम संख्या में है तो पॉजिटिव आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इज इक्वल टू कितना है 25। अब देखो यहाँ दोनों साइड 25 और 25 पॉजिटिव है, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज 25 को आप लेफ्ट साइड में ला करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो आपके पास रिमेनिंग पार्ट रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो इसको आप गुणनखंड विधि से, फैक्टराइज मेथड से आप इसको सोल्व करोगे। तो सोल्व करने के लिए देखो 16 और इसका जो कोफिशिएंट कौन है 1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है पॉजिटिव, प्लस का 16 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई जो प्लस का आ रहा है तो मिडल जो टर्म होता है बी, यहाँ पे कौन है 10, तो इस 10 के आप दो ऐसे पार्ट करेंगे जिनका सम करने पर तो आए 10 और प्रोटेक्ट करने पर आए 16। तब आपको क्या ट्रिक अप्लाई करनी है कि इस 16 के जितने भी मल्टीप्लाई करने पर आंसर 16 आए वो कर लीजिए,
तो ये एक तो 1 इंटू 16 होता है, एक 2 इंटू 8 होता है और एक 4 इंटू 4 होता है। तो ये इतनों का मल्टीप्लाई 16 होता है। अब इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि किन का सम 10 हो रहा है, क्योंकि जब ये प्लस का आ रहा है ना तो सम करने पर तो 10 आना चाहिए, जोड़ करने पर 10 आना चाहिए और गुणा करने पर 16 आना चाहिए। तो यहाँ गुणा तो सभी का 16 आ रहा है, लेकिन अब वो सिलेक्ट करना है तीनों में से जिनका एड करने पर 10 आए। तो 10 आ रहा है वो है 2 और 8, तो इस 10 को आप रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस 8 से, बाकी सेम का सेम आपको यहाँ लिखना है। तो इक्वेशन हो गई है एक्स स्क्वायर माइनस, इस 10 को रिप्लेस कर रहे हो, साइन में बार वाले में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ इस 10 की जगह आपको लिखना है 2 प्लस 8 और मल्टीप्लाई में कौन है x प्लस 16 इज इक्वल टू में 0। अब एक्स स्क्वायर देखो माइनस का साइन इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा और साथ में ये x भी मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस का 2x माइनस का 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि माइनस 2x और माइनस 8x कितना होता है माइनस 10x, अगर एक भी साइन में यहाँ पे फर्क हुआ तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे आंसर बचेगा 8 में से 2 आने पे 6x, पॉजिटिव भी बच सकता है और नेगेटिव भी, वो इन दोनों साइन पे डिपेंड करता है आपने कौन सा साइन में मिस्टेक किया है। अब इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो फर्स्ट दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या रिमेनिंग रहेगा, यहाँ बच गया x माइनस 2, आगे माइनस आगे वाला जो साइन होता है दोनों के बीच में वो सेम का सेम। अब इन दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है, 8 आ रहा है, तो यहाँ पे कौन बचेगा x, बार माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 8 का डिवाइड करोगे 16 में तो 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो है x माइनस 2, तो यहाँ पे कौन बच गया x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, या तो x माइनस 2 0 होगा या x माइनस 8 0 होगा, तो x माइनस 2 0 होने पर जो x का वैल्यू मिल गया 2 और जब y x माइनस 8 0 होता है तो x का वैल्यू मिल गया है 8, तो x के दो आंसर आ गए हैं 2 और 8। अच्छा क्वेश्चन है ये, 3 नंबर में पूछ सकता है, आप मिसलेनियस विविध प्रश्नावली का 9 का क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, सेम ये का ये पैटर्न है, पर इसमें ये ध्यान रखना है यहाँ अंडर रूट में 10 दिया हुआ है, तो अंडर रूट में 10 दिया हुआ है तो यहाँ 5 की जगह अंडर रूट आएगा 10 में, तो इसका स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 10 होगा, 100 मत कर देना, यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकती है, तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अंडर रूट 10 है तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 10 आएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया था तो 25 किया था, यहाँ इक्वल टू में ओनली 10 रहेगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन जैसे एग्जांपल अपन 5 करेंगे तो आगे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, मिसलेनियस में भी क्वेश्चन है कि आपको कई जगह उसको स्क्वायर प्रूव करना है, कई जगह रोमस प्रूव करना है, कई जगह पैरेललोग्राम प्रूव करना है, कई जगह रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो आपको जो कोऑर्डिनेट दे देगा क्वाड्रिलेटरल के कह देगा आप, या तो उसमें वो नाम दे देता है कि आप स्क्वायर प्रूव करो या रोमस करो या पैरेललोग्राम करो या रेक्टेंगल करो, आप उसको वर्ग सिद्ध करो, समचतुर्भुज करो, समांतर चतुर्भुज करो या आयत करो, लेकिन कई बार आप कह देता है कि आप इस जो ये क्वाड्रिलेटरल है इसका आप टाइप बताइए, ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो आपको इनकी चारों की विशेषताएं ध्यान रखनी चाहिए और चारों की विशेषताएं वो दूरी सूत्र के अकॉर्डिंग भी, यहाँ पे जो वर्ग में समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज या आयत के अंदर चार तो भुजाएं होती है, 4 साइड होती है और 2 विकर्ण होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं, तो आपको इनके विकर्ण और भुजाओं के जो मध्य जो रिलेशन है वो आपको ध्यान होना चाहिए, बी स्क्वायर का क्या स्पेसिफिकेशन है, रेक्टेंगल का क्या है, रोम्बस का क्या है, पैरेललोग्राम का क्या है। तो सबसे पहले अपन स्क्वायर की जो विशेषता पढ़ते हैं, स्क्वायर की क्या स्पेसिफिकेशन है कि इसकी जो 4 साइड होती है, यानी आप यहाँ पे मैं सभी का ये एक डायग्राम बना रहा हूँ, तो जब स्क्वायर आपको प्रूव करना है या स्क्वायर के वो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे और कह रहे हैं इसको प्रूव करो कि स्क्वायर है, तब आपको इसमें कौन सी ट्रिक लगानी है कि आप पहले इसकी चारों साइड निकाल लीजिएगा, ए बी बी सी डी और ए डी, अगर ये चारों साइड इक्वल है तो ये चारों साइड इक्वल स्क्वायर में भी होती है और ये चारों साइड इक्वल रोमबस में भी होती है, ए बी बी सी सी डी और ए डी, तो जिसमें चारों साइड अगर इक्वल आ रही है तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, रोमबस भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंट होगा जिससे आपको मालूम पड़े कौन सा वर्ग है कौन सा समचतुर्भुज है, तो वो इसके डायगोनल बताएंगे, विकर्ण बताएंगे। अगर जो इसके डायगोनल है, अगर इसके जो डायगोनल AC और BD दोनों इक्वल आ गए हैं तब तो वो है वर्ग स्क्वायर, अगर दोनों जो विकर्ण है इसके जो डायगोनल है
AC is not equal to BD आया है, तब वो कौन होगा? समचतुर्भुज होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो रही है, फोर साइड इक्वल हो रही है, तो वो वर्ग हो सकता है और समचतुर्भुज हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, रोमबस हो सकता है, लेकिन विकर्ण इसके डायगोनल बताएंगे कि वो वर्ग है या स्क्वायर है। तो वर्ग के अंदर जो वर्ग के अंदर जिसके विकर्ण होते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं और रोमबस के अंदर इक्वल नहीं होते हैं। अब इसी तरह समांतर चतुर्भुज और आयत के अंदर, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के अंदर, देखो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है इनके अपोजिट साइड वो इक्वल होती है। तो अगर ये एबीसीडी अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये इसकी अपोजिट साइड बनेगी, तो इसकी अपोजिट साइड एबी के इक्वल सीडी आएगा और एडी के इक्वल बीसी आएगा, तो ये तो इसकी अपोजिट साइड होगी। इसी तरह सेम आयत के अंदर भी होगा, एबी के इक्वल सीडी और AD के इक्वल BC। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम ये दोनों तो सेम होता है। अब जैसे यहाँ डायगोनल दोनों में डिफरेंट, तो यहाँ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में से किसके इक्वल होते हैं? रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। तो AC के इक्वल कौन आएगा? BD आएगा, इसके जो डायगोनल है वो इक्वल आएंगे और इसके जो डायगोनल है वो नॉट इक्वल होंगे, AC इज नॉट इक्वल टू BD होंगे। तो दोनों में आपको इस ट्रिक से याद रखो कि जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में, उसमें तो डायगोनल इक्वल होंगे, और जिसमें ईच एंगल 90 का नहीं होता है उसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन पिछले साल बोर्ड में आया था, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें आपको 6 साइड निकालनी पड़ती है, 4 तो ये साइड ही हो गई और 2 इसके डायगोनल वाले डिस्टेंस हो गई है, तो ये क्वेश्चन आता है तो ये 6 नंबर का आता है। तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको ध्यान होनी चाहिए, इसलिए मैंने इनको करने से पहले आपको ये पहले बता दिया। एग्जाम्पल नंबर 5, प्रूव दैट -2 -1 -1 -1 -5 -2 and -4 -4 टेकन इन ऑर्डर वर्टेक्सेस ऑफ रेक्टेंगल। ये जो चारों शीर्ष है ये एक आयत के हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो इस आयत के शीर्ष आपको सिद्ध करने हैं, तो ये आयत तो है, तो आपको जो आयत की विशेषता है, स्पेसिफिकेशन है, वो आपको ध्यान होनी चाहिए। जो मैंने इससे पहले बताया था कि इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर आएगी और इसके विकर्ण भी बराबर आएंगे, यानी अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल, देन इट इज ए रेक्टेंगल। तब आपको यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले से चारों साइड निकालनी है, उसके बाद अपन दोनों इसके डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। तो आप सबसे पहले तो ये लिख दोगे कि ए बी सी डी के आपने एक कोऑर्डिनेट है वो एज्यूम किए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का लिया आपने -2 -1, बी के जो कोऑर्डिनेट लिए -1 1, सी का जो निर्देशांक लिया वो 5 -2 और डी का लिया वो 4 -4। ए बी सी डी के आपने निर्देशांक एज्यूम किए हैं, इसका पी क्यू आर एस भी नाम दे सकते हो। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र क्या है? x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब अपने यहाँ पे कौन कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे? एक तो AB डिस्टेंस निकालेंगे, तो AB डिस्टेंस निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर, अब आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट ध्यान से करना है, माइनस प्लस में अगर एक भी साइन आपने मिस्टेक हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको पहले में से पहला माइनस करना है, तो देखो -2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -2 में से माइनस ये होगा और सब्ट्रैक्ट करना है, आगे वाला माइनस का है तो इसको -1 ऐसे ब्रैकेट में लीजिएगा और इसका आप स्क्वायर कीजिएगा। -2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट का साइन कौन सब्ट्रैक्ट करना है? -1 करना है, तो ये माइनस का बना है इसलिए इसको ब्रैकेट में लीजिएगा। प्लस का सेकंड वाला, -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको आगे वाला जब देखो पॉजिटिव है तो आपको एक ब्रैकेट की जरूरत होगी, यहाँ पे -1 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो ये 1 पॉजिटिव है तो बीच में एक ही साइन आएगा या नेगेटिव का और ये इसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, जब आपको लगे कि जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव है तो इनके बीच का साइन आप पॉजिटिव करके इसको शॉर्ट से भी कर सकते हैं। तो अपन आगे वाला क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे, जब आगे वाला जो डिजिट है वो नेगेटिव हो तो ये -1 मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। अब ए बी डिस्टेंस आ गई अपने पास, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू ये -2 -1 हो गया, +1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -1 का सम होगा तो -2 का होल स्क्वायर
अब AB जो डिस्टेंस है आ गई है, ये बचेगा माइनस का वन, माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर कितना होगा, ये फोर होगा। तो माइनस वन का स्क्वायर, ये वन प्लस फोर का रूट कितना होगा, अंडर रूट में फाइव। तो आपके पास AB डिस्टेंस कितनी आ गई है, अंडर रूट में फाइव। इसी तरह अपन डिस्टेंस निकालेंगे BC। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको एक ही बार लिखना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो BC के लिए ये दोनों BC के, तो माइनस वन में से फाइव माइनस करना है और वन में से माइनस टू करना है। तो देखो माइनस वन में से फाइव पॉजिटिव है, ये माइनस कर रहा हूं तो बीच में एक ही साइन आएगा माइनस का, प्लस आगे वन में से माइनस टू करोगे तो देखो बाद वाला नेगेटिव है तो बीच में प्लस लगा दीजिएगा। वन में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो है माइनस का टू, तो माइनस का टू है तो ये प्लस का टू हो जाएगा और इसका ये स्क्वायर। तो BC की वैल्यू आ गई है अंडर रूट में ये माइनस फाइव और माइनस वन, माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस ये टू और वन हो जाएगा थ्री का स्क्वायर। तो ये सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 36 प्लस 9 हो गया ये, तो ये कितना हो गया रूट में 45। तो ये BC का वैल्यू आ गया। आप रूट 45 को आगे सोल्व करो, अदरवाइज इसको एज इट इज पड़ा रहने दो, क्योंकि अगर इक्वल है तो दोनों रूट 45 आएंगे, अगर नहीं है तो दूसरी वैल्यू ये डिफरेंट आएगी। अब BC के बाद में अपने कौन सी निकालेंगे, CD डिस्टेंस। तो CD डिस्टेंस निकालेंगे तो CD के लिए 5 में से 4 माइनस करो, चाहे इस D में से C वाला सबट्रैक्ट कर सकते हो, सही होगा। पहले में से पहला माइनस करना है, दूसरे में से दूसरा करना है। तो 5 में से 4 सबट्रैक्ट होगा तो 5 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो ये इसका स्क्वायर प्लस माइनस 2 में से माइनस 4 सबट्रैक्ट होगा। तो माइनस 2 आगे वाला माइनस का है तो ये प्लस का 4 और इसका स्क्वायर। 5 में से 4 सबट्रैक्ट होगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 सबट्रैक्ट होगा तो ये 2 बचेगा पॉजिटिव, तो ये 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये अंडर रूट में कितना आ गया है, 5 आ गया है। तो CD का वैल्यू अंडर रूट में 5 आ गया है। अब अपन डिस्टेंस निकालते हैं CD के बाद में AD, तो ये तो चारों साइड हो जाएगी अपने पास। AD डिस्टेंस के लिए आप A में से D वाले सबट्रैक्ट करो, चाहे D में से A वाले सबट्रैक्ट करो। जैसे D में से A करते हैं तो 4 में से माइनस 2 सबट्रैक्ट होगा, तो 4 और ये 2 माइनस का है तो ये प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया है, प्लस माइनस 4 में से माइनस 1 सबट्रैक्ट होगा तो माइनस 4 माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर। 4 और 2 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर और इसका ये स्क्वायर रूट। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया 45 का रूट। आपके पास AD भी 45 आ गया है। तो यहाँ पे जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ये रूट में 5 और ये रूट में 5, ये दोनों इक्वल आई है, और ये रूट 45 और ये रूट 45 ये दोनों इक्वल आई है। तो ये स्क्वायर ये रेक्टेंगल भी हो सकता है या पैरेललोग्राम भी हो सकता है। अब इसके डायगोनल बताएंगे कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो आप इसके जो डायगोनल है, डायगोनल AC की वैल्यू निकालोगे तो AC के अंदर A और C इन दोनों को आपको लेना है, तो A में से C वाले सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 में से 5 सबट्रैक्ट होगा, तो माइनस 2 में से 5 सबट्रैक्ट हो गया इसका होल स्क्वायर, प्लस माइनस 1 में से माइनस 2 सबट्रैक्ट होगा तो माइनस 1, ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो गया, माइनस 2 और माइनस 5 हो गया माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस 2 में से 1 सबट्रैक्ट होगा तो ये 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1, तो ये रूट में कितना आ गया है, 50 आ गया है। AC के बाद में अपन निकालते हैं डायगोनल BD की वैल्यू। तो BD के लिए आपको BD ये दोनों लेने हैं, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो आप जैसे D में से B वाले सबट्रैक्ट कर सकते हो, 4 में से माइनस 1 करते हो तो 4 आगे वाला ये माइनस का है तो ये प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस 4 में से 1 सबट्रैक्ट करते हो तो माइनस 4, 1 पॉजिटिव है तो ये 1 का होल स्क्वायर, 4 और 1 हो गया 5 का स्क्वायर, प्लस ये माइनस 1 और माइनस 4 है तो ये हो गया माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दोनों ही 25 आएंगे, तो दोनों को सम करने पर रूट में कितना आ गया, 50 आ गया। तो ये BD की वैल्यू भी रूट में 50 आ गई। आगे आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि AB इज इक्वल्स टू, AB जो है वो रूट में 5 था, AB किसके इक्वल आया है, CD के इक्वल आया है। AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू रूट 5 एंड BC इज इक्वल टू, BC और AD दोनों इक्वल आए हैं, दोनों कितने आए हैं, ये रूट में 45 आए हैं। एंड डायगोनल
एन डायगोनल जो विकिरण है इसके, वो विकिरण कौन से हैं? AC इक्वल आया है, BD इक्वल में रूट 50, तो ये किसकी स्पेसिफिकेशन है? ये एक आयत की है। सो द गिवन पॉइंट्स आर वर्टेक्सेस ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD, जो दिए गए बिंदु है वो एक आयत के शीर्ष होंगे। तो इस तरह से अपने इस क्वेश्चन को करेंगे, ये 6 नंबर का आ सकता है। अब आगे जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। एक तो एक्सरसाइज 9.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको स्क्वायर प्रूव करना है, और दो ये मिसलेनियस विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 12 और 17। 17 नंबर क्वेश्चन है 2019 बोर्ड में पूछा गया, सम चतुर्भुज सिद्ध करना था आपको, प्रोमिस प्रूव करना था, और उसमें दे रखा था कि आप प्रूव करो ये सम चतुर्भुज है या वर्ग है। तो वहां पे आपको वो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन दे रखा था, तो वो उसकी अगर जिसको स्पेसिफिकेशन ध्यान थी तो उसने उसको कर दिया, अदरवाइज वो गलत हो गया। तो आपको इस तरह से ये 3 क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करनी है, इनकी विशेषताएं आपको बता दी गई है। तो ये 3 क्वेश्चन अगर आते हैं इनमें से तो 6 नंबर का वैसे पिछली बार आ चुका है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आने की वापिस कम चांसेस है। तो आगे अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे कल।